In object oriented design, object is the central concept, that is why it is called object oriented. So, what is an object? An object is a tangible entity that exhibits some well defined behavior. An object represents an individual uh, identifiable item, unit, or entity. द रियल और एबस्टेक्ट विद अ वेल डिफाइंड रोल इन दबोमेन ठीक है जी दिस इज वट ऑब्जेक्ट इज सो तीन चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड जिसको आपको हमेशा याद रखना है और ये हमारे डिजाइन में ये चीज बार बार आएगी इसके अलावा एक चौथी चीज भी है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी स्टेज पे ये तीन चीजें क्या है ऑब्जेक्ट मस्ट हैव अ स्टेट कुछ ना कुछ वो इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगी अपने अंदर तो फिर उसका एंड देन द बिहेवियर द इंटेलिजेंस टू मैनिपुलेट दैट स्टेट और तीसरी चीज जो है आइडेंटिटी एन ऑब्जेक्ट की अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड होना चाहिए अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं बनता State kya The state of an object is encapsulated within the object, it is the data that is maintained by the object. It is the current values of the properties of the object. The properties of the object hai, current value kya That is what the state is. Then we talk about the behavior, and this is how an object acts and reacts in terms of the state. चेंजेस एंड मैसेज पासिंग जब उसे को मैसेज पास किया जाता है जब उसको कोई सर्विस उससे रिक्वायर्ड होती है तो वो कैसे एक्ट एंड रिएक्ट करती है और उसकी स्टेट कैसे चेंज होती है दिस इज वॉट द बिहेवियर इज़। यहाँ पर ही सारी इंटेलिजेंस सिस्टम की इधर ही पड़ी होती है हाउ इट एक्ट एंड रिएक्ट्स दिस इज दार्ट ऑफ सिस्टम इंटेलिजेंस डेलीगेटेड टू द ऑब्जेक्ट हमने कहा था कैन दब्जेक्ट ऑरिएटेड वर्ल्ड जो सिस्टम इंटेलिजेंस जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में बिखरी होती है तो दिस इज़ वेयर इट इज़ डेलीगेटेड हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी इंफॉर्मेशन है और उसे पता है कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज करना है इससे इसे यूजफुल काम कैसे किया जाएगा एंड थर्ड थिंग इज द आइडेंटिटी ये बड़ा जरूरी है आइडेंटिटी किस चीज़ का नाम है जिस तरह मेरा एक नाम है लेकिन फख्र लोदी नाम के और भी लोग हो सकते हैं तो दैट इज नॉट माय आइडेंटिटी रियली अगर आप गूगल करेंगे फख्र लोदी तो आपको हो सकता है कोई बेशुमार लोग मिल जाए सो व्हाट इज एन आइडेंटिटी आइडेंटिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स जो मेरी है खुशी के साथ मैं शेयर नहीं कर रहा अब वो क्या चीजें हैं फॉर एग्जाम्पल मेरा नेशनल कार्ड नंबर है है वो मेरी आइडेंटिटी फॉर एग्जाम्पल मेरा ई मेल एड्रेस है वो मेरी आइडेंटिटी है फॉर एग्जाम्पल मेरा टेलीफोन नंबर है वो मेरी आइडेंटिटी है ये शेयरेबल नहीं है तो नाम इज नॉट एन आइडेंटिटी ठीक है जी आइडेंटिटी क्यों जरूरी है uh, जब आप फॉर एग्जाम्पल लेट से एक मैसेज भेजें कि जी फखर लोदी मुझे ये चीज चाहिए आपसे अच्छा जी ये किसने प्रोवाइड करना हु इज दैट फखर लोदी मुझे क्या पता कि आप मुझे कह रहे हैं तो जब तक यूनिकली आइडेंटिफाइबल वो चीज़ नहीं होगी जब तक वो मेरे मेल सिस्टम में मेरी मेल उस बॉक्स में वो मैसेज नहीं आएगा मैं आपको उसकी रिस्पांस नहीं दे सकता तो मेरे मेल बॉक्स में मैसेज भेजने के लिए या मेरे फ़ोन पे मैसेज भेजने के लिए या मुझे व्हाट्सएप करने के लिए व्हाट्सएप तो आपको मेरी आइडेंटिटी चाहिए तो फिर आप मुझे मैसेज भेजेंगे और फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा तो आइडेंटिटी बड़ी ज़रूरी है अगर कोई आइडेंटिटी नहीं है तो फिर आपको कोई सर्विस भी नहीं मिलेगी किससे सर्विस चाहिए कौन आपको ये सर्विस देगा सो ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं दैट इज़ द स्टेट बिहेवियर एंड आइडेंटिटी और अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं है तो आपका ऑब्जेक्ट को अच्छा डिज़ाइन नहीं है आइडेंटिटी वेयर तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है और स्टेट एंड बिहेवियर अगर नहीं है तो फिर भी आपका डिज़ाइन को बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं होगा मैं डोमेन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ देर आर अदर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं But we will talk about that later.